जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने जिंदगी को थाम दिया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बर्फबारी की वजह से यातायात लगभग थम सा गया है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक चालू करने में दिक्कत आ रही है। लद्दाख में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहां पारा -30 डिग्री तक पहुंच गया है। आमतौर पर इन दिनों में लद्दाख में तापमान -17 डिग्री के आसपास रहता है। पानी जम जाने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं बनिहाल में जवाहर टनल और नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा है। जवाहर टनल पर 3 फीट बर्फबारी जबकि बनिहाल टाउन में करीब 1.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इलाके में सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ बर्फ में जम गया है तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शिमला में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है तो वहीं किन्नौर में भी बर्फबारी लगातार हो रही है और इन तस्वीरों में भी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नैनीताल में बदले मौसम से कोई खुश है तो कोई परेशान। बर्फबारी के चलते यहां पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग खुश हैं, वहीं कड़ाके की ठंड से लोग ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। उत्तराखंड की धरती इन दिनों बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही है, जिससे पहाड़ों पर मन मोहने वाले नजारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीते दिनों में हुई यही बर्फबारी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक के लिए कहर बनकर टूटी है। पिछले 2 दिनों जनपद चमोली में भारी बर्फबारी और बारिश, पूरा आम जनमानस ठिठुरन भर रहा है और बाहर निकलना दुभर हो रहा है। बारिश से बार पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कम से कम 2 दिन से ये बहुत ठंड चल रही है और इसके बाद क्या है कि अभी ये पता नहीं है कि कब तक ये ठंड चलेगी। पहाड़ के दूसरे इलाकों की तरह नैनीताल में भी सर्दी अपना सितम दिखा रही है, जिससे नैनीताल के अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है और इन मरीजों में सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, जिन्हें ठंड के चलते सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे काफी हमारे पास यहाँ पर आते हैं, उनको देखने लगता है कि हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं, अपने नॉर्मल ड्यूटी ओपीडी भी करते हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए डॉक्टरों ने सर्दी से बचने की हिदायत दी है। डॉक्टरों के मुताबिक सर्दी बढ़ने से अस्थमा, हार्ट अटैक, हड्डियों में दिक्कत, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है और जो लोग पहले ही इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ओल्ड एज के लोग जो होते हैं उनको एमआई के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस सीजन में, तो इसलिए उन्हें थोड़ा प्रिकॉशन बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी रही बात बच्चों की, इस सीजन में यहाँ पर काफी लोग बच्चे भी जो होते हैं हाइपर रिएक्टिव डिजीज एक होती है, तो उसमें क्या होता है एकदम से कंजेशन चेस्ट में हो जाता है बच्चों को। हालांकि यही मौसम काश्तकारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बारिश और बर्फबारी के बाद काश्तकारों ने अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई है। बारिश जो है खेती के लिए एक वरदान साबित हो रही है और जगह जगह जहाँ पानी की किल्लत थी वहाँ पर बारिश की वजह से अच्छा पानी मिला है फसल को और इस साल फसल अच्छी होने की भी उम्मीद है। जो रबी में मुख्य रूप से गेहूँ है, मसूर है, सरसों है, जो है बहुत ठीक होने लगी है, उनकी ग्रोथ आने लगी है। बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ के पर्यटन कारोबार में भी अच्छी रफ्तार देखी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबारी खासे खुश हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होने के संकेत दिए हैं, यानी आने वाले दिनों में ठंड और कहर बरपाने वाली है। नैनीताल से राजू पांडे, पिथौरागढ़ से कोमल मेहता और चमोली से पुष्कर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।